आपका सुभान जी बहुत अच्छा भाई, मैं तो अगर यहाँ आया ना मैं तो खाना यही खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। जो भी जो है ना बद्रीनाथ माने तरफ आ रहा है तो बद्रीनाथ रोड पे जयकंडी यहाँ पे सजवान होटल एंड रेस्टोरेंट पड़ता है, इसका खाना एक बार जरूर ट्राई करना। बंदे बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत ही अच्छा बिहेव है, बहुत अच्छा व्यवहार है और खाने वाने में इतना मज़ा आया ना एकदम घर जैसा खाना। देखिए गाइस बाहर चलते हैं, दो तीन दिन लग जाते हैं, हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए अदरवाइज ट्रिप ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं या माना जा रहे हैं तो उस रोड पर सजवान होटल पड़ता है, वहाँ पर आप ज़रूर खाना खा के बट टेस्ट करें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये सजवान रेस्टोरेंट है बद्रीनाथ रोड चंदखंडी गाँव जो है, यहाँ पे जो खाना है ना मैं इसको ऐसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल खाना, घर जैसा खाना, मतलब एक नंबर, और बहुत प्यार से खिलाते हैं, बहुत अच्छा बिहेव है। इंसानों को क्या चाहिए नहीं भाई, क्या चाहिए हमें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खाना है, एक नंबर खाना है भाई। हम लौटते हुए भी एनर्जी आने का वेट कर रहे थे एक्चुअली, हाँ चार घंटे हमने वेट किया कि सजवान रेस्टोरेंट आएगा और हम वहाँ पे खाना। भाई मैं अगर यहाँ पे आया ना खाना मैं यहीं खाऊंगा बता रहा हूँ। आपका भगवान जी बहुत अच्छा भाई, मैं तो अगर यहाँ आया ना मैं तो खाना यहीं खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। नहीं खाना आंटी एक नंबर है, मतलब हम आए जब हम माना आ रहे थे तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे पराठे मंगाए बेसिकली, तो पराठा छोले जो थे छोले एकदम बिल्कुल सिंपल, खाने में मज़ा आ गया, साथ में लहसुन की चटनी, लहसुन चटनी और बाकी तो देखो आप जो भी अपना एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं जैसे कि जल्दी राज का चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारा ठीक ठाक रहा। तो मैं अगर मेरा जो रिकमेंडेशन है, अगर आप कभी बद्रीनाथ या माना जा रहे हैं तो आप, मैं आपको इस रेस्टोरेंट में को मैं फुल्ली रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना एक नंबर है, मतलब आप के मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपके घर में भी ऐसा खाना बनता नहीं होगा, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पे एक आंटी जी हैं वो इस होटल को संभाल रही है, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन सी इज़ मतलब इसको टेकिंग केयर वही कर रही है आंटी जी, और वो एक नंबर खाना मिल रहा है बिकॉज ऑफ उनके अकॉर्डिंग ये रेस्टोरेंट चल रहा है। एक्चुअली साथ में ये होटल भी है रेस्टोरेंट भी है, तो नीचे रूम्स वगैरह भी हैं आप देख सकते हैं, ये अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे नीचे रूम्स भी हैं, ऊपर ये ऊपर भी रूम्स हैं, बाकी जो अगर रोड साइड चलेंगे आप तो ये ऊपर होटल है बेसिकली, सॉरी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में खाना बनता है सिंपल, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल फ्राई हमने खाई लास्ट टाइम, हमने दाल मखनी नहीं खाई तो वो ऑसम एक्सपीरियंस था मेरा, और मतलब इट वॉज एन ऑसम, मैं मतलब कैसे मैं इसको कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमें सिंपल साधारण आदमी मतलब परिवार से, और ये देख सकते हैं साइड में अगर देखें बैक साइड में रिवर का व्यू आ रहा है, ये देखिए गाइस ये देखिए व्यू बहुत तगड़ा है, और साथ में होटल भी बहुत ज़बरदस्त और बंदे भी बहुत ज़बरदस्त, आंटी जी ने खाना बनाया एक नंबर, और साइड में ये रोड जा रहा है, इधर से आ रहा है ये दिल्ली से, और अगर मैं बात करूँ इधर से आ रहा है ये माना से, मतलब सॉरी हाँ माना से राइट, ओके सो थोड़ा पार्किंग का मैं स्पेस कहूँगा कम है, पर साइड पे आप गाड़ी लगा के इजीली खाना खा सकते हैं और खाने को इन्जॉय कर सकते हैं, और जो भी लोग यहाँ खाना खाने आएंगे मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग या वैसे भी आ जाएंगे ये रोड साइड है तो आपको मतलब बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत जगह पे खाना खाया, मतलब औसम है एकदम औसम रिजल्ट। तो ये भाई जा रहे हैं भाई, मतलब इनका जो ये सजवान रेस्टोरेंट में दिखा दूँ आपको, ये बद्रीनाथ रोड पे पड़ता है, और बात करूँ मैं रोड पे जयकंडी अगर आप माना जा रहे हैं दिल्ली से माना जा रहे हैं या माना से दिल्ली जा रहे हैं तो उस रोड पे पड़ता है, तो भाई ये गाइस इनका जो जो बिहेव है भैया देखो खाना सब बनाते हैं मैं आपको बता दूं, बट जो संस्कार होते हैं अगर मैं बात करूँ वे ऑफ टॉकिंग वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, सब दुनिया में सब सब काम कर रहे हैं, सब खाना बना रहे हैं,
पर आज की डेट में सबको मतलब कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। तो भाई का जो आपका गुड़ना भाई जयदीप सजवान, भाई जयदीप सजवान आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आपका जो खाना था ना, हम कल गए थे माना और आज हम माना से वापस आ रहे हैं। एक्चुअली हमें चोपड़ा जाना था और फूलों की घाटी मतलब गूगल ने ना, गूगल ने हमारा मतलब थोड़ा उल्लू बना दिया, मतलब हम ढूंढ नहीं पाए। पर अब रास्ते में मतलब आसपास ये पड़ रहा जयखंडी, तो यहाँ पे वापस हमने खाना खाया और खाना आज ही एक नंबर था। और आंटी जी का भी व्यवहार व्यवहार और आपका भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आप दिल्ली से या एनसीआर से कहीं से भी आ रहे हैं तो भाई के साथ ज़रा मतलब यहाँ पे आएँ और खाना खाएँ, आप टेस्ट करके बताएँ। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा ना, मैं पुल बांध रहा और वो तो खाने के बाद पता लग जाएगा। तो भाई आपका बहुत बहुत थम्स अप है इसके लिए। थैंक यू सो मच भाई।